सो गाइस सबसे पहले ये जान लो कि हमारा फ्री फायर बैन नहीं होने वाला, क्योंकि गाइस अगर फ्री फायर बैन हो जाता तो फ्री फायर इंस्टाग्राम में इवेंट वगैरह पोस्ट नहीं करता, लेकिन गाइस हमारा फ्री फायर इंस्टाग्राम में लगातार इवेंट वगैरह पोस्ट कर रहा है। इससे ये जानने को मिलता है कि हमारा फ्री फायर बैन नहीं होने वाला। और ये एयरटेल कस्टमर केयर का कहना है कि उनको कुछ गवर्नमेंट तरफ से कुछ नोटिस आया है कि कुछ ऐप वगैरह बैन हो गया है, मतलब वो फ्री फायर का नाम तो नहीं ले रहा लेकिन बोल रहा है कि कुछ ऐप वगैरह बैन हो गया है, उनको कुछ नोटिस आया है। लेकिन गाइस हमारा जियो वोडाफोन कस्टमर केयर से पूछने के बाद वो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हमें तो कुछ नोटिस नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से। और अभी तो गाइस एयरटेल को शक कर रहे हैं सारे, कहीं हमारा एयरटेल बिक तो नहीं गया। तो गाइस इसके बारे में मुझे और कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के जरूर बता दूंगा। और गाइस ये जान लो कि हमारा फ्री फायर बैन नहीं होने वाला। और प्ले स्टोर से जो हमारा फ्री फायर रिमूव हो गया, वो फ्री फायर का कहना है कि वो एक ग्लिच था और हमारा फ्री फायर बहुत जल्दी प्ले स्टोर में आने वाला है। इसी खुशी में वीडियो को एक लाइक कर देना। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को एक लाइक करते हुए जाना। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।